Yorak Sanatsaji, Pradhan Mantri Albanese, Pradhan Mantri Kishida, और राष्ट्रपति बाइडेन, आज मित्रों के बीच इस क्वाड समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीसी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद।